hello students welcome to the online home class today my session uh, will be on the topic uh, the caste system or i can say caste as a social institution in this uh, topic uh, i will cover three main topics that is the first one will be the meaning and definition of caste that what is caste what its meaning and what are the different definitions given by different sociologists regarding the caste second topic will be in this uh, topic the second subtopic will be characteristics of caste and then i will discuss change and continuity in caste system so let's begin विद द फर्स्ट दैट इज मीनिंग ऑफ कास्ट ऑब्वियसली जब हम मीनिंग की बात करते हैं कास्ट की तो सबसे पहला जो डिस्कशन का पॉइंट रहता है दैट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कास्ट बिफोर टचिंग दिस पॉइंट मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर कास्ट सिस्टम इज वन ऑफ द यूनिक फीचर विच इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडियन सोसाइटी मतलब कि कास्ट सिस्टम जो है वो इंडियन uh, सोसाइटी में ही uh, पाया जाता है इट डज़ नाट एग्जिस्ट इन एनी अदर सोसाइटी इट इज़ अ यूनिक फीचर ओनली टू इंडियन सोसाइटी एक्चुअली कास्ट इज क्लोजली कनेक्टेड विथ हिंदू फिलोसफी एंड रिलीजन क्लियर The major uh, castes, such as Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, or Shudras, are found in all the states in India. But none of these castes is dominant in any of the state of India now. I hope I have cleared the main point of caste that first of all, it is unique to Indian society and secondly it is very much related with hindu philosophy and religion now comes here the origin of the word caste the term caste is derived from the spanish word casta meaning breed lineage the portuguese used the term caste first to denote the division in indian caste system the word caste ऑलसो सिग्निफाइज रेस और काइंड तो जो पोर्चुगीज थे दे यूज द टर्म कास्ट टू डिनोट द डिविजन इन इंडियन कास्ट सिस्टम हमारे इंडियन कास्ट सिस्टम में क्या uh, कैसे डिवीज़न है जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि इट इज डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज ब्राह्मण्स, क्षत्रियज वैश्यज एंड शूद्राज द संस्कृत वर्ड

Equivalent words like jati, varna, color Race. These all I have highlighted because in your twelfth standard exams, sometimes it, uh, these uh, terms they come under the objective type questions. So you should know uh, these terms very well. The first definition of caste here is given by Risley. He says caste is a collection of families.

जो एक कॉमन नेम नेम कॉमन नेम हेयर इज लाइक ब्राह्मि वो एक कॉमन नेम बियर करती हैं दे क्लेम अ कॉमन डिसेंट फ्रॉम द मिथिकल मित हमारे जो पूर्वज हैं उनसे जो हम अपने आप को लिंक करते हैं कनेक्ट करते हैं दैट इज थ्रू द सेम कास्ट कि वो हमारे जो इनसेस्टर्स हैं वो ब्राह्मिन हैं हमारे दादा परदादा उनसे ऊपर उनके फादर्स दे ऑल हैव द सेम कास्ट तो क्लेमिंग अ कॉमन डिसेंट फ्रॉम अ मिथिकल इंसेस्टर एंड प्रोफेसिंग टू फॉलो द सेम हेरिडिटी और हम उसी हेरिडिटी को बिलोंग करते हैं मतलब कि हम हमारी जो पिछली जेनरेशन हैं हम उनसे अपना कास्ट डिनोट करते आ रहे हैं और जो नेक्स्ट जेनरेशन्स हैं हम उनको भी ये आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे सेम कास्ट क्लियर सो अकॉर्डिंग टू डी एन मजूमदार ही सेज कास्ट इज़ अ क्लोज्ड ग्रुप क्लोज ग्रुप की जब बात करें तो क्लोज्ड ग्रुप वो ग्रुप होता है इन विच द मेंबर्स आउटसाइड दैट ग्रुप दे आर नाट अलाउड टू जॉइन दैट ग्रुप जैसे कि अगर एक ग्रुप uh, है जो कि uh, का, एक कास्ट ग्रुप है uh, ब्राह्मीस तो अगर कोई नॉन ब्राह्मीण है इफ ही वॉन्ट्स टू एंटर दैट ग्रुप कि मैं भी ब्राह्मीण बनना चाहता हूँ तो कास्ट इज अलोज ग्रुप उसके मेंबर्स हैं वही रहेंगे बाहर से कोई भी आके उसको नहीं ज्वाइन कर सकता इट मीन्स कास्ट इज अ क्लोज ग्रुप अकॉर्डिंग टू केतकर कास्ट इज अ ग्रुप हैविंग टू करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट मेंबरशिप इज हेरिडिट्री की हेरिडिट्री रहती है इसकी मेंबरशिप कि जैसे मैंने आपको बताया बाय बर्थ हम जहाँ पैदा हुए हैं जिस कास्ट में हेरिडिट्री हमें उसको आ, अपने साथ लिख कर चलना है कि अगर हम ब्राह्मीण के घर पैदा हुए हैं तो वी आर द मेंबर ऑफ अ ब्राह्मण फैमिली हम क्षत्रिया के घर इफ वी हैव बीन बोर्न तो हम क्षत्रिया फैमिली को ही इनहेरिट करते हुए जाएंगे

आई होप इट्स क्लियर द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कास्ट इट्स वेरी इजी नाउ कम्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम सो डॉक्टर जी एस गुरे इन वर्क कास्ट एंड क्लास इन इंडिया हैज डिस्क्राइब्ड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट उसने अपने वर्क uh, में कास्ट एंड क्लास इन इंडिया जो उसका काम है किसका जी एस गुरे का उसने एट मेन करेक्टरिस्टिक्स की बात की है जो पहला है दैट इज कास्ट अर डिविजन ऑफ सोसाइटी अब हर क्या होता है हायरकी इज रैंकिंग रैंकिंग करना डिवाइडेड इंटू डिफरेंट लेयर्स कि टॉप लेयर पे कौन है बॉटम लेयर पे कौन है इंटरमीडिएट लेयर्स पे कौन है तो हेयर आई हैव ट्राइड टू मैंशन द हाकी ऑफ कास्ट सिस्टम वो बोलता है कि कास्ट सिस्टम का एक ये बहुत यूनिक फीचर है कि इट इज अ हायरार्किकल डिविजन ऑफ सोसाइटी जहाँ पे हायरार्की बन गई हुई है जहां पर टॉप पर ब्राह्मण्स रखे गए हैं सेकेंड लेयर में क्षत्रियाज रखे गए हैं थर्ड रैंकिंग वैश्यज की है एंड द लास्ट वन आर द शूद्रास और यहाँ पर इन्होंने जो है ब्राह्मि दे हैव बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ दिस हायरार्की एंड दे आर रिगार्डेड एज प्योर सुप्रीम और सुपीरियर इनको प्योर माना जाता है इसलिए इनको टॉप पे रखा जाता है करेक्ट जो बॉटम पे हैं दैट इज द शूदराज दे आर रिगार्डेड एज द डीग्रेडिड कास्ट और द सो कॉल्ड अनटचचेबल्स ठीक है और मैं आपको ये बता दूं कि जो ये शूद्राज हैं जिनको अनटचेबल्स एक टैग दिया गया था महात्मा गांधी उन्होंने ये uh, क्योंकि अनटचेबल्स वाज अ वेरी हार्श टैग विच वाज यूज्ड अगेंस्ट देम तो उन्होंने इनका नाम हरीजन्स दिया था शूद्राज का द डिग्रेडिड कास्ट इन आर सोसाइटी विच वर कंसिडर्ड एज अनटचल गांधी जी ने कहा था कि ये हरी के जन्स हैं इसलिए इनका नाम हरिजन रखा गया था सो दे आर बींग कॉल्ड एज हरिजन ऑल्सो सो दिस इज दरार्किकल डिविजन ऑफ सोसाइटी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट अ सेगमेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी कि कास्ट जो है ये सोसाइटी uh, में सेगमेंट्स में भी इसको बांटा गया है हिंदू सोसाइटी इज ऑब्वियसली अ कास्ट रिडन सोसाइटी क्लियर इट इज डिड इंटू जो हिंदू सोसाइटी है इट हैज बीन डिवाइडेड इंटू ऑफ सेगमेंट्स इसको काफी सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और वो जो सेगमेंट्स हैं दैट इज डिविजन ऑफ कास्ट इंटू वेरियस सेगमेंट्स और जो इंडिविजुअल uh, का स्टेटस है वो uh, किस सेगमेंट uh, को बिलोंग कर रहा है इट वाज डिनोटेड फ्रॉम दैट क्लियर अब जो स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है दैट इज डिटर्मिंड बाय हिज बर्थ कि वो कौन सी कास्ट में पैदा हुआ है और वहीं से उसका स्टेटस डिनोट किया जाता था इन दिस कैटेगरी जो मेंबरशिप है ऑफ द कास्ट वाज अनचेंजेबल कि हम अपनी जो मेंबरशिप है टू अ पर्टिकुलर कास्ट वी कैन नॉट चेंज आर मेंबरशिप हम जिस कास्ट में पैदा हुए हैं वी हैव टू बी द मेंबर थ्रू आउट आर लाइफ ऑफ दैट कास्ट ओनली द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड तो कास्ट सिस्टम में एक ये बहुत बड़ा एक रिस्ट्रिक्शन रही है ऑन फूड हैबिट्स फूड हैबिट्स यहाँ पर मोस्टली मैंने uh, दो फूड को ही uh, लिखा है मेंशन किया है पक्का फूड हेयर कंसेप्ट ऑफ पक्का फूड एंड कच्चा फूड अब पक्का फूड क्या है मैं आपको बता दूँ पक्का फूड इज द फूड विच इज प्रिपेयर्ड इन घी एंड कच्चा फूड इज द फूड विच इज प्रिपेयर्ड इन वॉटर सो द का सिस्टम हैज इम्पोज सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑन

नॉन ब्राह्मण फैमिली से वो कभी भी पक, आ, कच्चा फूड एक्सेप्ट नहीं करते थे वो कच्चा फूड सिर्फ नेक्स्ट किसी और ब्राह्मण फैमिली अगर उनको कोई फूड ऑफर कर रही है चाहे वो पक्का फूड है या कच्चा फूड है वो एक्सेप्ट कर लेते थे लेकिन अगर कोई नॉन ब्राह्मण फैमिली या जैसे वैश्याज हैं या शूद्राज हैं तो उनसे वो जो फूड है ब्राह्मण फैमिली हमेशा पक्का फूड ही एक्सेप्ट करती थी उनसे कच्चा फूड एक्सेप्ट नहीं करती थी सो दैट वॉज अ रिस्ट्रिक्शन कि अगर तुम ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग कर रहे हो तो यू विल बी ऑफर्ड पक्का फूड ओनली बाय द अदर कास्ट तुम्हें कच्चा फूड नहीं ऑफर होगा लेकिन अगर कोई दूसरी ब्राह्मण फैमिली तुम ब्राह्मण फैमिली को कच्चा फूड दे रही है सो यू विल एक्सेप्ट दैट फूड सो दिस वॉज द रिस्ट्रिक्शन आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नेक्स्ट पॉइंट वॉज रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल रिलेशन्स अब सोशल रिलेशंस पे भी रिस्ट्रिक्शन होती थी जो द कास्ट सिस्टम पुट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रेस ऑफ सोशल रिलेशंस यहाँ पर क्या रहता था एक आइडिया ऑफ पल्यूशन एंड प्योरिटी का रहता था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं दे आर द पल्यूटिड वन जो uh, uh, अन हाइजीनिक हैं जो कि अनटचेबल्स हैं तो uh, जो ब्राह्मण लोग होते थे दे यूज टू हैव अ सोशल डिस्टेंस फ्रॉम देम बिकॉज टच ऑफ अ लोअर कास्ट मैन इवन पल्यूट द मैन ऑफ हायर कास्ट जो ब्राह्मण लोग होते थे वो सोचते थे कि जो छोटी जाति के लोग हैं अगर वो हमें छुएंगे भी तो भी हम इम्प्योर हो जाएंगे छूना तो दूर अगर उनकी शेडो भी हमारे ऊपर आ जाएगी तो भी हम पल्यूट हो जाएंगे हम अशुद्ध हो जाएंगे हमें नहाना पड़ेगा हम नहा कर ही फिर अपने आप को शुद्ध मानेंगे तो उनकी शेडो भी जो है इट वॉज कंसिडर्ड अम्प्योर फॉर देम जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल uh, दूंगी uh, जैसे कि केरला uh, की अगर बात करें तो वहां पर नायर कुड अप्रोच अम्बूदरी ब्राह्मण बट वुड नॉट टच हिम वो उसको अप्रोच नायर इज अ लोअर कास्ट पीपल वो नमबूदरी ब्राह्मण को अप्रोच तो कर सकते हैं बट दे वर नॉट अलाउड टू टच देम दे शुड हैव अ डिस्टेंस ऑफ सर्टन मीटर्स फ्रॉम दैट ब्राह्मण तभी वो उनसे बात कर सकते हैं सो दिस प्रैक्टिस हैज़ मेड द लोअर कास्ट पीपल टू बी सेगरेटेड कम्प्लीटली फ्रॉम द हायर कास्ट पीपल और ये जो प्रैक्टिस रही कि उनके नज़दीक नहीं जाएंगे उनको चुएँंगे नहीं उनकी शेडो भी उनको पोल्यूट करेगी दिस हैज़ रिजल्टेड इन द प्रैक्टिस ऑफ आई विल से अनटचेबिलिटी अनटचबिलिटी को बहुत बढ़ावा दे दिया गया नेक्स्ट वॉज सोशल एंड रिलीजियस डिसबिलिटीज ऑफ सर्टन कास्ट अब इस पॉइंट में जैसे कि पीछे में खाली सोशल रिलेशंस पे एक रहता था कि ब्राह्मण और लोअर जाति के जो लोग हैं उनको आपस में टच नहीं करना उनको एक डिस्टेंस रख के बात करनी है तो यहाँ पर जो सोसाइटी के रिगार्डिंग जितने भी सोशल इवेंट्स रहते थे या रिलीजियस इवेंट्स uh, रहते थे उनसे भी उनको डिस्क्रिमिनेट uh, किया गया लोअर कास्ट पीपल को तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है लोअर कास्ट पीपल सफर्ड फ्रॉम सर्टन सोशल एंड रिलीजियस डिसबिलिटीज इम्प्योर कास्ट आर मेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विज जो इम्प्योर कास्ट होती थी अब इम्प्योर कास्ट कौन सी है ऑब्वियसली द बॉटम मोस्ट कास्ट विच इज नोन एज द हरीजन्स देवर मेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था कि वो सिटी के बीच में रहे ठीक है उनका एंट्रेंस टू टेम्पल्स वॉज ऑल्सो फॉरबिडेड फॉर देम अब उनको टेम्पल्स में भी आने नहीं दिया जाता था ठीक है हरिजन्स और द सो कॉल्ड अनटचचेबल देवर सेपरेटेड फ्रॉम दी अदर मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी एंट्रेंस टू टेम्पल्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस वाज़ फॉरबिडन फॉर देम उनके लिए uh, वहां पर आना आने की मनाही हो जाती थी इनफैक्ट एजुकेशनल फैसिलिटीज लीगल राइट्स एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस व डिनाइड टू देम फॉर अ लॉन्ग टाइम उनको कोई भी एजुकेशन uh, फैसिलिटी नहीं दी जाती थी उनको कोई भी उनके लिए लीगल राइट्स नहीं रहते थे इन सब से ये जितने भी हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनसे उनको दूर रखा जाता था और जितने भी जैसे मैंने बताया रिलीजियस इवेंट्स हैं उसमें भी उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं ली जाती थी उनको जो विलेज के टेम्पल्स होते थे वहाँ पर आना आने की मनाही रहती थी इनफैक्ट समटाइम्स वर नॉट अलाउड इवन टू यूज़ द वेल्स ऑफ द विलेज जो कुएं होते थे विलेज में वहां से भी उनको पानी भरने नहीं दिया जाता था देवर आज टू टेक वाटर फ्रॉम आउटसाइड द विलेज बाहर जो जितने आउटस्कर्ट्स में अगर है कनेक्टिविटी पानी की तो वहां से ले देवर नॉट अलाउड टू एंटर इन टू द विलेज ऐसा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था नेक्स्ट पॉइंट इज सिविल एंड रिलीजियस प्रिविलेज ऑफ सर्टन कास्ट अब अगर लोअर कास्ट के जो लोग थे वो सफ़र करते थे फ्रॉम सर्टन डिसेबिलिटीज है ना जैसे उन्होंने सफ़र वो करते थे सोशल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज से वो सफ़र करते थे तो ऑन द कॉन्ट्रेरी जो हायर कास्ट पीपल रहते थे लाइक ब्राह्मण्स दे यूज टू इंजॉय सर्टन प्रिविलेजेस वो अपने प्रिविलेजेस को इंजॉय करते थे नो वेयर द ब्राह्मिन सफर फ्राम ब्राह्मि कभी भी किसी भी टाइप की डिसबिलिटीज से नहीं जूझते थे दे वर गिवन मोर लिबर्टी बिकॉज दे वर बिलीव टू बी प्योर एंड सुपीरियर उनको हर जगह लिबर्टी दी जाती थी दे नेवर सल्यूटेड एनी वन बट वर ऑलवेज बी सल्यूटेड बाय अदर्स वो खुद कभी किसी को सल्यूट नहीं करते थे इन लोग उनको सेल्यूट करते थे education एजुकेशन एंड टीचिंग्स वर the monopoly of this caste jo जो hote होते थे उनकी monopoly हो गई थी education teaching ये सब जो है brahmin लोग ही करते थे आपने देखा होगा पहले ज़माने में जितने भी गुरुज होते थे दे the brahmins जितने भी हमारे वैदिक मंत्राज हैं हमारी वैदिक बुक्स हैं रिलीजियस बुक्स हैं वो सब ब्राह्मण्स ने लिखी हुई हैं बिकॉज एजुकेशन पे उन्हीं का होल्ड रहता था सो चांटिंग द वैदिक मंत्रास वेर प्रिवलेज किन का प्रिवेलेज रहता था ब्राह्मण कम्युनिटी का सो द अपर कास्ट पीपल दैट इज द ब्राह्मिंस दे एंजॉयड द सोशल पॉलिटिकल लीगल एंड रिलीजियस प्रिवलेजेस वो हर तरह के प्रिवलेजेस जो हैं वो एंजॉय करते थे नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशनल चॉइस अब हमारी जो ऑक्यूपेशनल चॉइस है कास्ट सिस्टम में उसमें भी रिस्ट्रिक्शन रहती थी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इफ समबडी इज बोर्न इनटू द फैमिली ऑफ अ किंग ही विल बिकम अ किंग एट वन टाइम ऑफ हिज एट वन टाइम वो किंग बनेगा ही बनेगा

जॉइन एनी अदर ऑक्यूपेशन उस पर रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि नहीं यू हैव बीन बोर्न इन टू अ फैमिली ऑफ शूद्रा तो तुम्हारा यही काम है क्लीनिनेस का इफ़ यू हैव बीन बोर्न इन टू द फैमिली ऑफ ब्राह्मन तो तुम्हारा काम यही है तुम्हारा ऑक्यूपेशन यही है टीचिंग्स प्रोवाइड करना डिफरेंट प्रिवलेज इन्जॉय करना तो तुम तुम्हारे लिए चॉइस है फॉर द लोअर कास्ट पीपल वो रिस्ट्रिक्ट रहती थी टेड विद द कास्ट सिस्टम मोस्टली हमारे कास्ट सिस्टम में जो मैंने एक हर आकी बताई उसके अकॉर्डिंगली जो ब्राह्मण्स थे दे वर कंसिडर्ड एज द प्रीस्ट उनको प्रीस्टली काम उनके लिए रखा जाता था सेकेंड वर्ड द क्षत्रियाज क्षत्रियाज के लिए दे वर कंसिडर टू बी द वॉरियर्स तो उनके लिए जो उनका नेचर ऑफ वर्क रहता था वो भी वैसे ही रहता था वॉरियर्स वाला ठीक है थर्ड वॉज

Uh, सफाई के लिए ही उनका जो ऑक्यूपेशन है वो रहता था अब अगर एक शूद्रा अगर वॉरियर uh, बनना चाहता है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन रहती थी अगर कोई ब्राह्मण बनना चाहता है ही वॉन्ट्स टू टीच द सोसाइटी तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन रहती थी क्लियर सो ईच कास्ट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक ऑक्युपेशन और ऑक्युपेशन जो थी दैट वर हेरिडिटी हेरिडिट्री रहती थी अगर कोई uh, कारपेंटर के घर पैदा हुआ है तो वो कारपेंटर की ही ऑक्यूपेशन फॉलो करेगा अगर कोई राजा के घर पैदा हुआ है तो वो राजा ही बनेगा दैट वॉज द टाइप ऑफ रिजिड कास्ट सिस्टम इन आर सोसाइटी फाइनली द एट्थ करेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम इज रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कास्ट सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज भी रहती थी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कास्ट इज एन ग्रुप तो एंडोगेमी क्या है इट इज द रूल ऑफ मैरिज जहां पर इंडिविजुअल हैज मैरी और हर ओन ग्रुप उसने अपने ही ग्रुप दैट इज अपने ही कास्ट में शादी करनी होती है ठीक है इंटरकास्ट मैरिजेस जो थी देवर वर फॉर वो अलाउड नहीं थी इंटरकास्ट मैरिजेस स्ट मैरिज है अभी भी अगर इंटरकास्ट मैरिजेस होती है तो आप देखते हैं कि उसको एकदम से अप्रूवल नहीं मिलता नो डाउट हमारी सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिजेस अब हो रही हैं जो जिसको हम बोलेंगे एक्जो गेमी विच इज आउटसाइड दउटसाइड द कास्ट और आउटसाइड द ग्रुप अगर हम मैरिज कर रहे हैं दैट इज कंसिडर टू बी इंटर कास्ट मैरिज आज की सोसाइटी में हो रही है बट आपने साथ ही साथ ऑनर किलिंग का भी सुना होगा कि सेम कास्ट में शादी नहीं की आउट ऑफ द कास्ट जाके शादी की है तो ऑनर किलिंग की भी बात साथ में जाती है तो मतलब इतना अप्रूवल इंटर कास्ट मैरिजेस को अभी भी हमारी सोसाइटी में नहीं मिला नो डाउट इट इज बींग देयर उनकी एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो गई है हमारी सोसाइटी में सो so, लेकिन पहले टाइम में वॉयलेशन ऑफ द रूल ऑफ एंडोगेमी वॉज स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टली डेल्ट अगर कोई एंडोगेमी जो एक रूल बना हुआ था कि सेम कास्ट में मैरिज करना अगर कोई इसको वॉयलेट करता था तो उस इंसान के साथ स्ट्रिक्टली डील किया जाता था और पहले टाइम में क्या रहता था जो एंडोगेमी थी इट वॉज द ऑफ कास्ट सिस्टम

वो क्यों नहीं देख रहे इतना रिजिड कास्ट सिस्टम हम आज की सोसाइटी में क्यों नहीं देख रहे बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द कास्ट सिस्टम हैज अंडरगोन वास्ट चेंजेस इन मॉडर्न टाइम्स फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द चेंज इन कास्ट सिस्टम आर सबसे पहला कॉज uh, क्या है फॉर चेंज इन कास्ट सिस्टम इज म लीगल सिस्टम यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम क्या था ये सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में जिसके अंडर ऑल मैन आर इक्वल बिफोर द लॉ ठीक है सब इंसान कानून के आगे बराबर है लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने दे फॉलोड द सेम लीगल सिस्टम और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने आ, आ, ना ही उसने ना ही एश्योर किया अपने लोगों को इक्वालिटी को लेके लेकिन उसने कुछ प्रैक्टिसेस भी डिक्लेयर कर दी जैसे अनटचेबिलिटी इट्स टू बी कंसिडर्ड एज अनलॉफुल उन्होंने एक आ, लॉ निकाल दिया हमारे इंडियन सिस्टम इंडियन लॉ में कुछ रूल्स निकाल दिए कि अब अगर हम किसी के साथ अनटचबिलिटी छूत अछूत का भेदभाव भेदभाव रखेंगे तो ही और शी विल बी पनिश्ड क्लियर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट प्रोवाइड स्पेशल प्रिवलेजिज इनफैक्ट दे प्रोवाइडेड स्पेशल प्रिवलेजिज टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ताकि वो हमारी सोसाइटी में दे कम अप टू अ अपर लेवल वो ऊपर आ जाए जो कास्ट की एक हरारकी बनी है वो भी सोसाइटी में ऊपर आए तो उनको ऊपर लाने के लिए जो लोअर कास्ट लोग थे आ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए सर्टन आ, रूल्स उनके लिए सर्टन लीगल जिसको हम बोलेंगे प्रोवाइड कर दिए Uh, जिसमें उनको स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई ठीक है जैसे कि हम अभी भी आप बच्चे देखते हैं कि uh, कहीं पे भी अगर जॉब्स के लिए होता है एडवर्टाइजमेंट uh, आती है तो देयर इज अ सर्टन टाइप ऑफ कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर ओ बी सीज एंड फॉर जनरल कैटेगरी तो दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाई आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ठीक है ताकि जो पिछड़े हैं हमारी सोसाइटी में वो कहीं पीछे ही ना रह जाए तो उनके लिए भी अगर हम एक सर्टन फिक्स uh, कर देंगे कोटा uh, फिक्स कर देंगे तो देसो कम अप इन सोसाइटी एंड दे विल ऑल्सो वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी द सेकेंड पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन नो डाउट जो एजुकेशन सिस्टम है हमारी सोसाइटी में इनफैक्ट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दैट वॉज इंट्रोड्यूज बाई ब्रिटिश थ्रू आउट इंडिया ब्रिटिशर्स दे इंट्रोड्यूज द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया बट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ये जो एजुकेशनल फेसिलिटीज़ थी दे वर एक्सटेंडिड टू ऑल द कास्ट ये सारी कास्ट को प्रोवाइड की जाती थी जो लोअर कास्ट लोग रहते थे उनको भी ये जो फैसिलिटीज़ रहती थी मॉडर्न एजुकेशन की उनको प्रोवाइड की जाती थी इट हैज क्रिएटेड एन अवेयरनेस अमंग पीपल एंड वीकेंड द होल्ड ऑफ कास्ट ओवर द मेम्बर्स ऑब्वियसली जब हम पढ़ेंगे जब हम एडुकेट होंगे तो हमें पता है कि ये जो सारा एक कास्ट uh, सिस्टम को लेके इतना रिजिड रखा गया हमारी इंडियन सोसाइटी में इससे हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट ही हिंडर हो रही है हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में ही रुकावट आ रही है तो हमें जो एक मॉडर्न एजुकेटेड इंसान है वो हमेशा यही चाहेगा कि ये जो कास्ट सिस्टम है हमें अपनी सोसाइटी को इससे फ्री कर देना चाहिए ताकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया

सब एग्रीकल्चर में मोस्टली रहते थे लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स थी वो क्रिएट हुई इंडस्ट्रीज़ के आने से तो ये एक नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी जिसने जो अपर कास्ट लोग हैं उनको वीक किया और जो लोअर कास्ट लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की कि वो आए और इंडस्ट्रीज में काम करें पैसा कमाएं और वो भी सोसाइटी में आगे बढ़े तो जो पीपल थे दे फ्रॉम डिफरेंट कास्ट क्लास एंड रिलीजन दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इन फैक्ट्रीज ऑफिस वर्कशॉप वो सब इकट्ठे वहां जाके मिलजुल के काम करना शुरू करते थे ग्रोथ अर्बनाइजेशन क्या होता है अर्बनाइजेशन होता है ग्रोथ ऑफ सिटीज अर्बन अर्बन सेंटर्स की ओर जाना जब इंडस्ट्री सेट हुई तो ऑब्वियसली सिटीज uh, में ये इंडस्ट्रीज लगती थी तो जो लोग थे फ्रॉम फार फ्लंग एरिया फ्रॉम द विलेजेस जो लोअर जाति के रहते थे जिनको रहता था कि हम भी सोसाइटी में आगे बढ़ें हम भी अच्छा काम करें हम भी बेटर फैसिलिटीज़ एक्वायर करें हम भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें तो वो लोग क्या थे वो दे स्टार्टेड माइग्रेटेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द सिटीज़ फ़ॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ फ़ॉर बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ठीक है तो वो जब इसके लिए दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटीज, दिस प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेंटर्स इज अर्बनाइजेशन तो ग्रोथ ऑफ सिटीज होने लगी तो ये जो ग्रोथ ऑफ सिटीज हैं दिस हैज ड्रॉन पीपल ऑफ ऑल कास्ट टुगेदर एंड मेड देम टू स्टेट टूगेदर इग्नोरिंग मैनी ऑफ देयर कास्ट रिस्ट्रिक्शंस जो जब ये सिटीज़ की ओर आए अब शूदराज भी आए वैश्यज भी आए क्षत्रियाज भी आए टूवर्ड्स द सिटीज़ फ़ॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स फ़ॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोटेशन भी अच्छा था अच्छा होना शुरू हो गया तो वो काम की ओर काम की तलाश में आए तो जब वो सारे आए और इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया तो ये चीज़ उनके दिमाग से निकल गई कि कौन किस कास्ट को बिलोंग कर रहा है कौन किस जाति को बिलोंग कर रहा है दे ऑल द कास्ट दे टुगेदर डू द वर्क अब जब सपोज अगर वो इकट्ठे मशीनरी पे काम कर रहे हैं दस लोग पता नहीं किस किस कास्ट के हैं वो इकट्ठे मिल एक मशीन पर काम कर रहे हैं मशीन को चला रहे हैं तो वो कंसेप्ट ऑफ अनटचबिलिटी भी ऑटोमेटिकली खत्म होता गया और साथ ही साथ जो वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी उसने भी बहुत मदद की टू ब्रिंग चेंज इन कास्ट सिस्टम कैसे जो अपर कास्ट पीपल थे दे स्टार्टेड लुकिंग टूवर्ड्स द वेस्ट वो वेस्ट की ओर उन्होंने देखना शुरू किया फॉर मॉडिफाइंग देयर लाइफ अपने लाइफ को चेंज करने के लिए दे बिकेम मोर एंड मोर वेस्टर्नाइज विदाउट बॉडरिंग मच अबाउट द कास्ट इन्हीबिटेशन्स उन्होंने वेस्टर्न लोगों को वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया वेस्टर्न पैटर्न को अपनाना शुरू कर दिया और उनके दिमाग से भी ये कॉन्सेप्ट क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को इंडल्स कर लिया इन वेस्टर्नाइजेशन तो उन्होंने तो उन उनके जहन से कि कोई कास्ट सिस्टम भी प्रवेल करता है हमारी सोसाइटी में वो आहिस्ता आहिस्ता वीकन होना शुरू हो गया दिस वॉज सो इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इट ऑल्सो ब्रॉट अबाउट चेंज इन आर कास्ट सिस्टम नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी शुरू हो गई मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया तो तो भी उसने भी हमारे कास्ट सिस्टम को वीकन करना शुरू कर दिया मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे सच एज रेल्स ट्रेन्स बसेस एरोप्लेन्स हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल कास्ट रूल्स रिलेटे रिलेटिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ प्योरिटी एंड पॉपुलेशन एंड अनटचबिलिटी कुड नो लॉन्गर बी ऑब्ज़र्व जैसे मैंने आपको बताया कि लोग क्योंकि बेटर ट्रांसपोर्टेशन फ़ैसिलिटी आ गई जब लोग इंडस्ट्रियलाइज uh, इंडस्ट्रीज़ के आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ लोग uh, गाँव से निकल के शहर की तरफ आना शुरू हुए इन द सेम बसेज इन द सेम ट्रेन तो देवर नाट प्रैक्टिसिंग वो तब उस दौरान वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे उस कॉन्सेप्ट को जो प्योरिटी और पोल्यूशन का है जो अन का कॉन्सेप्ट है वो उसको नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे दे उनको नहीं पता था कि मेरे बगल में कौन बैठा है मेरे बगल में कोई अनटचेबल तो नहीं बैठा या जो अनटचेबल है उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे जो बगल में है वो अपर जाति का है तो मुझे कॉशियस होके बैठना है उसके साथ क्लियर तो वो जो था एक ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम उसने कार uh, सिस्टम को बड़ा वीकन किया जो मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन थे जैसे न्यूज़पेपर रहा जैसे कि टेलीग्राफ रहा जैसे कि टेलीफोन रेडियो एट्सेट्रा उसने भी लोगों को हेल्प किया टू सो दैट दे कम आउट ऑफ द नैरो आइडिया ऑफ दिस कास्ट सिस्टम जो मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन थे ये बार बार लोगों के अंदर अवेयरनेस लाते थे कि uh, जो ये कास्ट सिस्टम है इट इज नथिंग बट अ हिंड्रेंस इन द इट इज अ हिंड्रेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री तो हमें इस कास्ट सिस्टम से बाहर आना है क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम स्ट्रगल एंड the establishment of democracy. So various freedom struggles or jo democratic system in Indian society ka, that also help us uh, to uh, fight against this uh, so-called caste system. The freedom struggles uh, waged against the British brought all the caste people together. टू फाइट फॉर अ कॉमन कॉज सबसे पहले तो जो फ्रीडम स्ट्रगल थी हमारी जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स सारे जो इंडियन पॉपुलेशन थी दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो दे वर नॉट वरिड अबाउट कि हम इस स्ट्रगल में किस लोगों किन लोगों के साथ बाहर आ रहे हैं uh, किस किस जाति के लोगों के साथ हम मिल के हम नारेबाजी कर रहे हैं दे वर नॉट कंसर्न अबाउट दैट थिंग उनके दिमाग में उनके जहन में एक ही इशू था तब दे वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स तो वो जो फ्रीडम स्ट्रगल थी दैट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन कॉज देन वेरियस डेमोक्रेट जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है आफ्टर uh, इंडिपेंडेंस जो आई हमारी सोसाइटी में उन्होंने भी जो है आ, लोगों के लिए इक्वल सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज थी दे प्रोवाइडेड टू तो द पीपल ऑफ देयर कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ठीक है तो हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा उसमें भी पहले तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही का सिस्टम वीक होना शुरू हो गया और जब फ्रीडम प्रोवाइड हुई हमारी कंट्री को तो उसके बाद भी जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम था हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं, दैट वाज इक्वालिटी ऑफ फॉर ऑल उसमें भी हमारे जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है उनके लिए जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ थी चाहे वो सोशल अपॉर्चुनिटीज़ uh, हो चाहे वो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो दैट वर इक्वल फॉर ऑल ऑफ देम लास्ट जो पॉइंट है दैट इज राइज ऑफ नॉन ब्राह्मिन मूवमेंट तो जो एक ब्राह्मि के अगेंस्ट एक नॉन ब्राह्मिन मूवमेंट अराउज हो गई उस मूवमेंट में क्या हुआ इट वाज अ मूवमेंट विच वाज अगेंस्ट द ब्राह्मिन सुप्रमेसी और ये जो मूवमेंट है इट वाज लॉन्च बाय ज्योति राव फूले इट वाज इन 1873 सेवेंटी थ्री दिस मूवमेंट इट बिकेम पॉपुलर इन कोर्स पर्टिकुलरली इन साउथ और इस मूवमेंट ने एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी द लोअर कास्ट उनके अंदर एक अवेयरनेस लोअर कास्ट के अंदर एक अवेयरनेस पैदा कर दी द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट कि हमारी भी सेल्फ जो लोअर कास्ट लोग हैं उनके अंदर एक फीलिंग uh, पैदा की कि हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड uh, अगर हम नॉन ब्राह्मण हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी में हमें डिग्रेड किया जाएगा सोसाइटी में हमें डिफरेंट uh, अपॉर्चुनिटीज से पे नहीं आने दिया जाएगा दिया जाएगा तो दिस मूवमेंट फॉर द ऑब्वियसली अपग्रेडेशन ऑफ द नॉन ब्राह्मण पीपल दिस मूवमेंट बिकेम अ ग्रेट पोलिटिकल फोर्स

प्रोग्रेस इन सोसाइटी उनके ऊपर उनके लिए भी वास्ट स्कोप जो हैं वो पैदा किए गए और इससे वो भी सोसाइटी में प्रोग्रेस को एक्वायर करना शुरू हो गए और दे आल्सो स्टार्टेड कमिंग अप इन हरार्की इन सोसाइटी सो दीज वर द वेरियस पॉइंट्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम अगर अब इन पॉइंट्स को गौर से देखें तो ऑन अ ब्रॉड स्केल वी कैन सी दैट चेंज इन कास्ट सिस्टम कैन बी व्यूड फ्रॉम वेरियस एंगल्स अब वो कौन कौन से एंगल्स हैं जैसे स्ट्रक्चरल चेंज तो स्ट्रक्चरल चेंज की अगर बात करें स्ट्रक्चरल चेंज फंक्शनल चेंज एंड एटीट्यूडनल चेंज तीन ब्रॉड कैटेगरीज में हम जो चेंज है कास्ट सिस्टम में उसको हम देख सकते हैं अगर हम स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें तो स्ट्रक्चर कास्ट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है जिसमें ब्राह्मि क्षत्रियाज वैश्यास और शूद्राज आते हैं वो स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ विद द कमिंग ऑफ यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम जब लीगल सिस्टम आया या मॉडर्न एजुकेशन आई तो जो uh, ये स्ट्रक्चर है हमारे कास्ट सिस्टम का वो बदला क्योंकि uh, जो uh, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्पेशल प्रिवलेजेस दे दिए फॉर द लोअर कास्ट पीपल इन आर सोसाइटी जो कि वेरियस कास्ट हैं या ट्राइब्स हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नाम दे दिया शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ताकि वो भी सोसाइटी में ऊपर आ सकें तो जब उनके लिए कोटा फिक्स कर दिया गया तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग अप इन हर आर्की इन आर सोसाइटी तो जो एक कास्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ क्लियर फंक्शनल चेंज इज Uh, जैसे कि फंक्शंस कास्ट सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस रहे फंक्शंस क्या थे कास्ट कास्ट में ऑक्यूपेशन को लेके कि जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है वो वही ऑक्यूपेशन करेगा तो ये भी जो था ये चेंज भी आया वो कैसे आया विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन या हम बोलेंगे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इनके आने से जो फंक्शंस हैं जो ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन थी कास्ट की उसमें बदलाव आया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन uh, के आने से कोई भी कास्ट का uh, इंसान uh, काम कर सकता है उसका जिस एरिया में उसका इंटरेस्ट है नो uh, डाउट no वो वैश्या के घर पैदा हुआ है या शूद्रा के घर पैदा हुआ है या क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है या ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है उसको जिधर भी उसका ऑक्यूपेशन जैसा भी करने का दिल है He was free to do that. तो so, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के आने से आ, उन इन इन चीजों चीजों का भी इन में भी में चेंजेस आए तो फंक्शनल चेंज आया कास्ट सिस्टम में लास्ट एटीट्यूडनल चेंज एटीट्यूड भी चेंज हुआ एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ कास्ट में जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके अंदर एक ये फीलिंग डाल दी जाती थी कि मैं लोअर कास्ट का हूँ मुझे गांव के अंदर आना अलाउड नहीं है मुझे फलाने विलेज में टेम्पल्स के अंदर जाना अलाउड नहीं है आई हैड सर्टन सोशल एंड रिलीजियस डिसबिलिटीज तो सॉरी <coughs> तो उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज किया गया विद द कमिंग ऑफ वेरियस मूवमेंट्स लाइक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट या विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी जो मैंने फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में डिस्कस किया है तो उनके अंदर भी फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एक जगाया गया कि नहीं हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड वी शुड कम आउट विद सर्टन टाइप्स ऑफ मोमेंट्स ताकि हमारी भी सोसाइटी में जो uh, एक वी हैव बीन कंसिडर्ड एज अनटचेबल इन सोसाइटी हमें ये अपने ऊपर से टैग हटाना है हमें अपने एटीट्यूड में पहले चेंज लाना है वी हैव टू बी वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ आर सेल्फ फर्स्ट तभी हम अपने आप को सोसाइटी में अपलिफ्ट कर सकेंगे तो एटीट्यूडनल चेंज भी आया कास्ट में और उसी के हिसाब से अगर मैं uh, जो ऑलरेडी अपर कास्ट लोग थे Uh, unka bhi attitudinal change hua accordingly. So that was all for this topic, caste uh, system. I hope I have cleared each and every point for all of you. If you have any kind of uh, doubt, you are, if you want any type of clarification once again, you are always welcome. Thank you students.